हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र राज आपके लिए एक संत की कहानी लेके आया हूँ। एक संत थे जिनका नाम था संत तिरुवल्लुवर। ये अपने जीवन में जुलाहे थे, साड़ी या जरूरी कपड़ों की एक छोटी सी दुकान करते थे। एक बार कुछ शरारती लड़के उनकी दुकान पर आए और आकर के सौदाबाजी करने लगे। उनमें से एक लड़का पैसे वाला था, धनी था। उसने एक साड़ी को उठाया और पूछा कि इसका मूल्य क्या है। उन संत ने कहा, इसका मूल्य है 2 रुपए। शरारती लड़के ने साड़ी को वहीं फाड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए और फिर पूछा, इसका मूल्य क्या है। संत ने कहा, इसका मूल्य 1 भाग का 1 रुपया है। लड़का बड़ा शरारती था और उनको चिढ़ाने के उद्देश्य से ही दुकान पर आया था। वो अकेला नहीं, उसके दोस्त भी इसलिए आए थे। लड़का उस साड़ी के टुकड़े करता रहा और हर बार उसका मूल्य भी पूछता रहा। संत उसी हिसाब से उस साड़ी का दाम उसको बताते रहे। जब साड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वह लड़का बोला, मैं अब इस साड़ी को नहीं खरीदूंगा, ये टुकड़े मेरे किस काम के। संत बोले, ये तुम्हारे क्या, अब तो ये किसी काम के नहीं हैं, तुमने इतने टुकड़े इसके कर दिए। ये सुनकर लड़के को बड़ी लज्जा आई। अंत में उसने कहा, ठीक है, ये लो आप 2 रुपए, इससे आपका घाटा पूरा हो जाएगा। उसने रुपए देने चाहे लेकिन संत ने वो रुपए नहीं लिए। अब देखिए संत क्या बोले हैं। संत बोले, घाटा तो तुम क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसानों के परिश्रम से कपास पैदा हुआ, जिसकी रुई से मेरी पत्नी ने सूत काता, उसको मैंने रंगा और फिर इसकी साड़ी बुनी है। घाटा तो तब पूरा होता जब कोई इसको पहनता। कितने लोगों का परिश्रम बेकार गया है, क्या कोई रुपए से इस घाटे को पूरा कर सकता है। तिरुवल्लुवर संत ने ये बात बड़े ही शांत चित्त से कही, ना कोई गुस्सा किया, ना कोई क्रोध, ना किसी को डांटा। मानो कोई पिता अपने पुत्र को समझा रहा हो, इतना प्रेम से समझाया। अब जब शरारती लड़के ने सारी बातें सुनी तो शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई। अचानक वह संत के चरणों में गिर पड़ा और उसने बार बार माफी मांगी है कि हे संत जी, मैं समझ नहीं पाया। जब तिरुवल्लुवर को उसके काटने पर, वो साड़ी के फाड़ने पर गुस्सा नहीं आया, तो अब समा इसने मांगी तो कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि जब साड़ी फाड़ने पर क्रोध नहीं तो क्षमा क्या करते। संत के मन में कोई दुराव नहीं होता। अब वो लड़के चुपचाप वहाँ से चले गए थे, खुद को अपमानित समझा। तो कभी कभी हम पैसों के अहंकार में आके किसी को नीचा दिखाने के लिए हरकतें कर देते हैं जो गलत है, क्योंकि इसमें किसान की बड़ी ही मेहनत लगती है, आप थोड़ा विचार करिएगा। इसलिए संतों का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, संत दर्शन सब कुछ बदल देते हैं। तो ये बड़ी ही प्यारी मुझे कहानी पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए के आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किससे प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।